शादी हिमशीत आज अपने आप में ऐसा शहर है कि प्राउड फील नहीं हो, इससे ज्यादा फीलिंग ही नहीं है दुनिया में कि आप प्राउड फील करें. यस आई एम इंडियन एंड आई एम प्राउड ऑफ टू बी. अच्छा रेखा जी, जैसे कि आप एक प्रोफेशनल सिंगर हैं और एक बिजनेस वूमन भी, थोड़ा इंट्रोडक्शन दीजिए. मेरा नाम रेखा आने वाले टाइम में आप सबके साथ प्रैक्टिस में भी नजर आऊंगी और जितनी भलाई कर सकूं कोशिश यही रहती है कि समाज सेवा मेरे हाथों से जो मैं कर पाऊं कर सकूं, फाइनेंशियली नहीं तो फिजिकली, बट आई वांट टू डू हेल्प. मैं हमेशा हेल्पफुल थी हूं और रहूंगी. अच्छा रेखा जी, जैसे कि एक बिजनेस वूमेन है, देशवासियों को, महिलाओं को क्या मैसेज देना चाहेंगे? महिलाओं के लिए मेरा सिर्फ एक ही मैसेज है, बी कॉन्फिडेंट, अपने अंदर विश्वास रखिए, आपसे बढ़कर और कुछ नहीं है, आप हैं तो सब कुछ है, वरना कुछ नहीं. थैंक यू सो मच. थैंक यू सर. न्यूज़ में आपका स्वागत है. सर सबसे पहले तो अपना इंट्रोडक्शन दीजिए. मैं राजेश कुमार, असिस्टेंट. अच्छा सर, जैसे कि आज यहाँ शान हिंदुस्तान अवार्ड का जो आयोजन हो रहा है, एसके सुराना सर, क्या कहना चाहेंगे इस प्रोग्राम के बारे में और आकर कैसा लगा? मैं कहना चाहूँगा कि आज जो एसीसी ग्रुप ने जो अपना प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया है, सुराना साहब का और चौहान साहब का, मैं शुक्रिया करता हूँ कि ऐसे भक्ति प्रोग्राम भविष्य में भी होते रहे ताकि लोगों में देश के प्रति एक ऐसी भावना जागे देशभक्ति के लिए. आगे बच्चे जो है उनको एक अच्छा मैसेज आए आने वाली पीढ़ियों को. मैं इसी के साथ अपने जय मोहन्ना जय भारत किसान जय हिंद. अच्छा मैम, देशवासियों को एज ए लेडीज सिविल डिफेंस में हुआ, देशवासियों को और देश की महिलाओं को क्या मैसेज देना चाहेंगे आपको? देखिए हम देश की महिलाओं को यही मैसेज देना चाहेंगे कि जैसे हम अगर हमारे घर के आसपास कोई दुर्घटना हो गई और हम किसी को मैसेज करते हैं कि वहाँ पर कोई दुर्घटना हो गई है तो वो लोग वहाँ पर जल्दी नहीं जा सकते हैं, तो हम लोग जो हमारे मैसेज होते हैं तो जैसे कि किसी और को मैसेज किया है वो लोग वहाँ नहीं पहुँच रहे हैं तो हम उनसे पहले पहुँच जाते हैं. और ये हमारे एक निष्काम सेवा है और हम चाहेंगे कि देश के लिए सभी को निष्काम सेवा करना चाहिए. ये रिकॉर्ड ना हो कि भाई हमें किसी से हेल्प चाहिए कि नहीं, जैसे जितनी भी हेल्प हम लोगों से उतनी हेल्प हम लोगों की करें. आज तो देखा गया है सिविल डिफेंस तो नंबर वन चल रहा है, इसके बारे में क्या कहना चाहिए सिविल डिफेंस? ये सिविल डिफेंस एक ये कि नहीं कि भाई हमें नौकरी की जरूरत है, ये एक देश के लिए सेवा का कार्य हो रहा है कि सभी को निष्काम सेवा करनी ही चाहिए. ये नहीं है कि अगर हमारे जेब में पैसा है तो ही हम सेवा करेंगे, नहीं ऐसा कुछ नहीं है. जहाँ तक हो सकता है हम देश की सेवा करने के लिए तैयार हैं. एज अ रोड पर कोई एक्सीडेंट हो गया है, कोई किसी की हेल्प नहीं करना चाहता है, लेकिन सिविल डिफेंस एक ऐसा मत एक जरिया है कि जहाँ पर भी ऐसा कोई होता है कि एक्सीडेंट हो गया है तो सिविल डिफेंस वाले सबसे पहले वहाँ पर मौजूद हैं. धन्यवाद मैम, जय हिंद.